हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन रिकॉर्ड ज्ञान। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कीबोर्ड में कौन कौन सी कीज होती हैं और उनका क्या यूज होता है हमारे कंप्यूटर में। बट फर्स्टली आपको ये पता होना जरूरी है कि कीबोर्ड का क्या रोल है कंप्यूटर में और ये क्यों यूज किया जाता है। ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। कीबोर्ड के जो जानकारी है उसको लेने से पहले हमें कीबोर्ड के बारे में पता होना चाहिए कि उसके बेसिक्स क्या हैं, कीबोर्ड क्या है और उसका क्या रोल है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, तो जो कीबोर्ड है इसको हम इनपुट डिवाइस में कंसीडर करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्यों करते हैं वो मैं बताता हूँ। इसको हम इनपुट डिवाइस में कंसीडर करते हैं क्योंकि ये क्या करता है, सिर्फ जो है वो डाटा सेंड करता है। ठीक है, डाटा सेंड करता है कंप्यूटर को। ठीक है, और वापिस से जो है वो इंफॉर्मेशन बैक नहीं लेता है, सिर्फ एक जैसे कि वन एंड जो है वो डाटा ट्रांसमिशन है इसमें। ठीक है, कोई इसको रिसीव नहीं करता है दोबारा से, कोई इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ए कंप्यूटर कीबोर्ड इज कंसीडर एंड इनपुट डिवाइस बिकॉज इट ओनली सेंड्स डाटा टू ए कंप्यूटर एंड डज नॉट रिसीव एनी इंफॉर्मेशन बैक। ठीक है, आपको पता लग गया कि इनपुट डिवाइसेस को क्यों बोलते हैं। अब मैं आता हूँ कंप्यूटर कीबोर्ड की जो है कीबोर्ड की जो डेफिनेशन है उसमें आता हूँ। जो एक कंप्यूटर कीबोर्ड होता है, ठीक है, उसको हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं, जो कि कैरेक्टर्स जो हैं फंक्शंस इन कंप्यूटर सिस्टम में हम कोई भी यूज करने के लिए कीबोर्ड कीज का या कीबोर्ड का जो है कीबोर्ड का हम यूज करते हैं। ठीक है, एक प्राइमरी डिवाइस है जो कि टेक्स्ट को एंटर करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कंप्यूटर कीबोर्ड जो होता है इसमें कीज रहती हैं। ठीक है, कीज रहती है, मैं बताऊंगा आगे आपको कौन कौन सी कीज रहती हैं। इसमें कीज रहती हैं, नंबर्स रहते हैं, सिंबल्स रहते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, और किसी भी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम इन कीज का यूज करते हैं। अब देखो, आप बोलोगे कि स्पेसिफिक फंक्शन क्या है। ठीक है, देखो, अगर कंप्यूटर बनाया है तो कंप्यूटर बनाया है आपको पता ही है, हमारे किसी यूज में आने के लिए, कोई चीज यूज में आने के लिए हमें बनाया गया, जो कंप्यूटर है वो बनाया गया है। ठीक है, तो कुछ प्री डिफाइंड कमांड्स होती हैं, शॉर्टकट्स होते हैं, जो जिनसे हम अपने जो हमारा काम है, कोई भी हमने अगर ऑपरेशन परफॉर्म करना है कंप्यूटर में, जो कि उनका हम कीज का यूज करके उनको हम कर सकते हैं। अब जो भी है, एक मॉनिटर है, सिर्फ मॉनिटर रख के हमारा कंप्यूटर नहीं बन जाता है, तो उसमें कुछ इनपुट डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है, कुछ आउटपुट डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। तो वो फिलहाल मैं आपको आज कीबोर्ड के बारे में बताऊंगा, कीबोर्ड जो है क्या इसका रोल है कंप्यूटर में। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि इनपुट डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस क्यों है कि ये सिर्फ डाटा जो है वो सेंड करता है। डाटा सेंड करने का क्या मतलब है, ठीक है, मैं आपको एक चीज और बताऊंगा इसमें सेंड करने का क्या मतलब है, कि डाटा जो है वो प्रेस कर रहे हैं। ठीक है, प्रेस क्या कर रहे हैं, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ अभी। ठीक है, जैसे कि एक कंप्यूटर कीबोर्ड है, ठीक है, कंप्यूटर कीबोर्ड है, तो उसमें क्या होता है वो चीज। अब आपको, आपने ये चीज कभी सोची है कि आपको दिख रहा है, जैसे 7 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, ए बी सी दिख रहा है, तो आप यहाँ पे ए प्रेस कर रहे हो और वहां पे ए प्रेस किस तरह से हो रहा है, क्या आपके माइंड में कभी ये आंसर क्वेश्चन आया है? अगर नहीं आया है तो ऐसे क्वेश्चन जो है माइंड में आना जरूरी है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, ये एक शीट होता है कीबोर्ड में ना, चाहे आप लैपटॉप के कीबोर्ड में देखो, कीपैड में देखो, जो भी है, और चाहे आप सिंपल कीबोर्ड में देखो, तो उनमें एक शीट होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक उसमें वायरिंग हुई होती है एक तरह से, जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, तो उनमें बाय डिफॉल्ट जो उनका फंक्शन है वो कंसिडर करती हैं कि जैसे अगर ए के बटन है ना, ए ए ए वाली स्पेस में, सिर्फ चाहे इधर आप ए की जगह बी वाला बटन उठा के रख दो, पर इंटरनल जो फंक्शन है उसका, अगर आप यहाँ पे प्रेस करोगे, ए पे प्रेस करोगे, तो क्या होगा, ए ही प्रेस होगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये जो है ए है, यहाँ पे अगर मैंने ए प्रेस करा तो यहाँ पे जो उसको कंसिडर करेगा कंप्यूटर, क्या कंसिडर करेगा, ए ही कंसिडर करेगा। ठीक है, उसको वो बी कंसिडर नहीं करेगा, चाहे आपको, आप इस बी को उठा के यहाँ पे लगा दो। ठीक है, अब आप तो बोलोगे कि भाई मैंने तो बी प्रेस करा था, इसने ये कैसे लिख दिया, पर जो शीट है अंदर यहाँ पे ना, ये इतना बड़ा एक शीट होता है। ठीक है, ऐसे करके एक शीट होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह का ही शीट होता है, तो उसमें क्या होता है कि वायरिंग हुई होती है। ठीक है, तो इनबिल्ट फंक्शंस हैं जो उनको हमें एक जो हमारे ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म है, देखो कंप्यूटर काम करता है, जो
हमें समझ आती हैं चीजें, हम उस तरह से उसको एंटर करवाते हैं, ठीक है। अब उसको जो समझ आती हैं चीजें वो कन्वर्ट करके, जो हमारा सीपीयू है उसको कन्वर्ट करके उस तरह से वो कंप्यूटर को समझाता है। जैसे हर एक चीज का ना एक बाइनरी कोड होता है, अभी आपको नहीं पता होगा इस चीज के बारे में, बाइनरी कोड होता है। तो कंप्यूटर जो है वो उस तरह से कोई भी इंफॉर्मेशन जो है, इनपुट जो है वो यूजर से, जो जो इंटायर वर्ल्ड है, जो कहीं से भी इनपुट जो है वो ले सकता है किसी भी तरह, ठीक है। फिलहाल मैं वापिस से आता हूँ, मैं यहाँ पे था तो मैंने बता दिया इनपुट डिवाइस क्यों बोलते हैं, कंप्यूटर कीबोर्ड क्या होता है, ठीक है। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर कीबोर्ड्स हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर कीबोर्ड्स हैं वो कंप्यूटर के साथ, या फिर यूएसबी जो है केबल, ठीक है, जिसको वायर्ड बोलते हैं, वायर्ड केबल। वायर्ड देखो दो तरह के हैं, वायर्ड है वायरलेस है, नाम से पता चल रहा है वायर्ड के हैं। अभी यूएसबी लगी होगी, ठीक है, यूएसबी लगी होगी और वायर लगी होगी साथ में। अगर वायरलेस है तो वायरलेस कीबोर्ड जो है वो वायरलेस क्या है, उसके साथ एक सेल होता है कीबोर्ड में, जो सेल डालते हैं और उनके एक यूएसबी होती है, ठीक है, जो कि वायर्ड नहीं होती है। तो उनके साथ उसको लगा के, कंप्यूटर कंप्यूटर में लगा के या लैपटॉप में लगा के हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर ब्लूटूथ वाले कीबोर्ड्स होते हैं। यूएसबी से पहले कंप्यूटर में क्या होता था कि PS2 सीरियल पोर्ट्स होते थे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा PS2 सीरियल पोर्ट्स होते थे, या फिर ATDIN5 एज ए कीबोर्ड इंटरफेस की तरह हम उसको यूज करते थे, ठीक है। तो ये था कीबोर्ड बेसिक्स के बारे में, मैंने आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बताई है इसमें, सो आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। सेकंड मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन है, ये एक कीबोर्ड है, देखो कीबोर्ड है, कीबोर्ड है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे ये क्या क्या होता है। इसमें कीबोर्ड है, देखो इसमें टाइपिंग कीज रहती हैं, ठीक है, ये QWERTY कीबोर्ड है, QWERTY कीबोर्ड है, इसका नाम रखा गया था कि एक बहुत ही फेमस जो है वो कीबोर्ड जो है आज के युग में जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या रहती हैं, कुछ कंट्रोल कीज रहती हैं किसी भी ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए, फंक्शन कीज रहती हैं जिनका अलग अलग पर प्रोग्राम में अलग अलग काम होता है, टाइपिंग अल्फानुमेरिक कीज रहती हैं, ठीक है। ये जो है ना येलो येलो आप देख रहे हो यहाँ पे, कलर कलर देख रहे हो, कलर इंडिकेट कर रहा है कि कौन सी कीज कहाँ पे है, ठीक है। टाइपिंग अल्फानुमेरिक कीज रहती हैं, इसमें क्या होता है कि सिंबल्स रहते हैं कुछ, और इसमें जो भी हम टाइप करते हैं सिंबल सिंबल टाइप करते हैं, कोई भी हम अल्फाबेट टाइप करते हैं तो इन कीज के थ्रू हम करते हैं, ठीक है। ये स्पेस बार है, ये जो है ना इसको स्पेस, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ आगे, ठीक है, आप वीडियो को देखते रहिए बस। ये जो है ग्रीन कलर की, ये है नेविगेशन कीज, नेविगेशन कीज देखो आपको ना हर एक की का जो नाम है ना आपको नाम से ही आपको पता चल रहा है कि नेविगेशन कीज में ये चार एरो कीज भी आती हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट, ठीक है, और ये कुछ ना होम पेज डाउन पेज अप इंसर्ट वगैरह की कीज रहती हैं, ये प्रिंट स्क्रीन वगैरह की होती हैं। तो ये सारी क्या है, कंट्रोल कीज हैं, ठीक है। और क्या है, न्यूमेरिक की पैड, न्यूमेरिक की पैड है, मैं ये भी बताता हूँ कि इसको सेपरेट में क्यों दिया गया है, यहाँ पे भी होती हैं वैसे कीज होती हैं। तो ये सारा क्या है, न्यूमेरिक की पैड है, ठीक है। इसमें नंबर्स जो है वो इधर जीरो होता है, इधर डॉट होता है, एंटर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन जो भी है। और ये जो है ना ब्राउन ब्राउन, ये क्या है, इंडिकेटर लाइट्स है, नम लॉक की इंडिकेटर लाइट है, स्क्रॉल लॉक की होगी और पॉज ब्रेक की होगी, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ये मैंने जस्ट आपको शो करने के लिए कि कंप्यूटर में कौन कौन सी कीज जो है वो कहाँ पे होती हैं और किस किस तरह की कीज होती हैं, ठीक है, मैं आपको आगे बताता हूँ। देखो अब जो है वो कीज जो है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज की गई है कंप्यूटर में, ठीक है। मैंने आपको बताया टाइपिंग अल्फानुमेरिक कीज हैं, कंट्रोल कीज हैं, फंक्शन कीज हैं, नेविगेशन कीज हैं, न्यूमेरिक की पैड है, ठीक है। अल्फानुमेरिक कीज में मैं आपको बता देता हूँ, इसमें क्या होता है कि सेम लेटर होते हैं, नंबर्स होते हैं, पंचुएशन होते हैं, सिंपल कीज होती हैं जो कि एक ट्रेडिशनल टाइपराइटर में भी पाई जाती हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल टाइपराइटर में पाई जाती हैं। मैं आपको आगे बताता हूँ कि कहाँ पे कौन सी कीज होती हैं, ठीक है। कंट्रोल कीज हैं, कंट्रोल कीज जो है वो एक, इनको जहाँ तो एलोन यूज किया, एलोन मतलब कि इनका जहाँ तो सिंगल जो है वो फंक्शन होता है, जैसे कि क्या जो सिंगल होता है वो फंक्शन होता है एस्केप की है किसी भी प्रोग्राम से निकलने के लिए, तो इनका अलग अलग यूज होता है, ठीक है। इनको जहाँ तो एलोन ही यूज किया जाता है, जहाँ फिर अदर कीज, जैसे लिखा है ना मैंने, दिस कीज आर यूज एलोन और इन कम्बिनेशन विद अदर कीज टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस, ठीक है, किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए जहाँ तो इन कंट्रोल कीज को एलोन यूज किया जाता है,
या फिर किसी और कीज के साथ जो है वो यूज किया जाता है। जैसे जैसे कि ये सिलेक्ट करने की कमांड क्या होती है, कंट्रोल ए, ठीक है। कंट्रोल क्या है हमारी, एक कंट्रोल बटन होता है, ये जो बटन होता है कंट्रोल, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये कंट्रोल है, दो कीज प्रोवाइड करवाई गई है, तो कंट्रोल जो की होती है, कंट्रोल की है, तो उसको सिलेक्ट करने के लिए जो है वो एडिशनल क्या करना पड़ा, ए करना पड़ा, कंट्रोल ए, जो कि प्री डिफाइंड सेट है, कमांड जो सेट है सिलेक्ट करने के लिए हमारे कंप्यूटर में, ठीक है। सो पहले ही जो प्री डिफाइंड चीजें हैं जो बनाई गई हैं, उनको हम सीखते हैं और उनको ही हम यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं अपने किसी भी जो है वो काम को करने के लिए कंप्यूटर में, ठीक है। सो ये जो है द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड कंट्रोल कीज आर, कौन कौन सी कीज होती हैं, कंट्रोल होती है, अल्ट होती है, विंडोज लोगो की होती है, एंड एस्केप होती है, ठीक है। तो मैं आपको बता दिया, एस्केप की जो होती है, मैं आगे बता देता हूँ दरअसल ना इनकी डिटेलिंग जो भी है। फंक्शन कीज जो होती है ये 12 होती है यार, फंक्शन कीज क्या होती है, 12 होती है, ठीक है। F1 से लेके F12 तक, इनका मैंने आपको बता दिया, हर एक प्रोग्राम में अलग अलग यूज होता है। आप कभी बैंक में गए होने, बैंक में गए होने तो वो ज्यादातर ये देखना इनका यूज करते हैं, फंक्शन कीज का यूज करते हैं। आप किसी भी कोई अलग अलग कोई आपको सेविंग का कुछ खोलने के लिए, तो मतलब उनमें भी एक प्री डिफाइंड जो है वो सेट की गई है कमांड की, F1 से ये ओपन होगा, F2 से ये ओपन होगा, F3 से ये ओपन होगा, ठीक है। जैसे लिखा है ना, फंक्शनैलिटी ऑफ दीज कीज डिफर्स फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो नेविगेशन की है, नेविगेशन कीज मैंने आपको बता दिया कि ये जो है डॉक्यूमेंट में, किसी भी डॉक्यूमेंट में, जहाँ हमारे पीसी में कहीं भी हमें मूव करना है, जैसे हमें डॉक्यूमेंट में मूव करना है, ठीक है, जहाँ फिर वेब पेजेस में मूव करना है, तो हम नेविगेशन कीज के थ्रू हम मूव कर सकते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट कहीं पे भी हमने मूव करना है तो हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। न्यूमेरिक कीपैड आया लास्ट में, 17 जो है वो न्यूमेरिक कीपैड में कीज होती हैं, ठीक है। फिलहाल की 0 से 9 जो है वो नंबर्स होते हैं, बट 17 जो है वो कीज होती हैं। और टाइपिंग जो है या अल्फाबेट कीज जो होती हैं, 26 होती हैं, आपको पता तो है कि जो इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं तो उसमें 26 होते हैं, तो 26 ही होंगे, ठीक है। बट एक सेट पैटर्न है, वो भी मैं आपको आगे बता देता हूँ कि किस तरह से QWERTY जो है जो रखा गया है, जो कि यूज होता है अभी। तो न्यूमेरिक कीपैड में क्या होता है कि ये क्या होता है कि हैंडी फॉर एंटरिंग नंबर्स क्यू के लिए, ठीक है। इनको सेपरेट में रखा ही इसलिए गया है कि नंबर्स को जल्दी से फास्टर जो है वो हम उसको एंटर कर सकें, अपने कंप्यूटर में उसको एंटर कर सकें, ठीक है। ये जो कीज होती हैं ग्रुप टुगेदर होती हैं, ठीक है। इनने ब्लॉक से, इतने छोटे से ब्लॉक में, राइट साइड में ब्लॉक में एक ग्रुप होता है इनका बना हुआ, ठीक है, जो कि एक तरह से हम कैलकुलेटर की तरह इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर आपने यूज किया होना, कभी नहीं किया होगा तो करना, ठीक है। तो अभी मैं आता हूँ यहाँ पे, आपको एक डायग्राम है, QWERTY लेआउट कीबोर्ड, ठीक है। ये नाम है, एक 6 वर्ड्स का नाम है, क्यों पड़ा है नाम ये QWERTY, ठीक है, ये इसका नाम है, 6 लेटर्स का ये नाम है इस पैटर्न का, जो कि लेफ्ट से राइट यहाँ पे ये स्टार्ट होता है, तो ये नाम बन गया था, कीबोर्ड का नाम रखा गया है। तो ये जो है ना, ऐसे ऐसे तो हम पढ़ते हैं ए बी सी डी, बट कीबोर्ड में ये एक प्री डिफाइंड पैटर्न जो है वो यूज करते हैं, जो कि मोस्टली यूज होता है आजकल जो है वो मोस्टली यूज जो करते हैं बंदे, तो ये उस तरह से है। अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ पहले कि मैंने जो ड्रॉ करा है, दोबारा से पहले बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको हर एक की का यूज बताऊंगा कि किस तरह से होता है। फिलहाल मैंने जो डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक दे रखे हैं 2-3, आप उनको और ज्यादा एज ए नोट्स कंसीडर करने के लिए, नोट्स बनाने हो आपने, जहाँ और डिटेल में पढ़ना हो तो वहां से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आते हैं टॉप पे, ठीक है। ये क्या है, एस्केप है, एस्केप इसको बोलते हैं, एस्केप की बोलते हैं। इसका क्या यूज है, मैं आपको बारी बारी सबका यूज बता देता हूँ, जैसे मैं आपको बताता चलूंगा। एस्केप की का क्या यूज है, एस्केप की का क्या यूज है कि ये किसी भी प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए, प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए, जैसे कि हमारा एक तरह से बड़ी सारी कमांड्स दे दी हमने, बड़ी सारी कमांड्स दे दी, कंप्यूटर क्या कर गया, हैंग मार गया, हैंग मार गया। आप क्या करोगे, एस्केप की को 2, 3, 4, 5 बार प्रेस करोगे, वो कमांड ऑटोमेटिकली जो आपने 2-4 दे दी होंगी एक्स्ट्रा, तो वो क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी, और आपका पीसी जो है वो हैंग करना बंद कर जाएगा। एक तो ये कमांड होती है, जहाँ फिर आप टास्क मैनेजर से जो है
वो अपने प्रोग्राम को डिलीट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कभी किसी वीडियो में, बट फिलहाल मैं आपको यहाँ पे, वीडियो लंबी हो जाती है नहीं तो, इसलिए मैं इतना ज़्यादा नहीं बताऊंगा अलग कंसेप्ट के बारे में। आगे आती हैं ये जो है फंक्शन कीज हैं। ठीक है, F12, F1 से लेके F12 तक। ठीक है, ऐसे तो देखो F2 से क्या होता है, अगर आपने, अगर डेस्कटॉप पे हो तो F2 से किसी भी फोल्डर या किसी भी फाइल का आप क्या कर सकते हो, नेम चेंज कर सकते हो। F1 जो है वो मेनली कंसीडर किया जाता है हेल्प के लिए। ठीक है, हेल्प बॉक्स जो है वो ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। F5 जो है वो मेनली क्या किया जाता है, रिफ्रेश करने के लिए यूज किया जाता है। अब F4 जो है वो अल्ट के साथ यूज होता है बड़ी बार। ठीक है, अल्ट F4, अगर आप इसको साथ में प्रेस करोगे, अल्ट अल्ट और F4 को साथ में प्रेस करोगे डेस्कटॉप पे रिफ्रेश करके या क्लिक करके, तो ये डायरेक्टली क्या करता है, शट डाउन विंडो ओपन कर देता है। ठीक है, तो ये अलग अलग, यार अलग अलग जो है वो अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग इनका फंक्शन है। ठीक है, तो याद रखना हमेशा F12 जो है इसको सेव एज, जो है ना, सेव एज विंडो ओपन करने के लिए हम यूज करते हैं, जैसे MS वर्ड वगैरह में। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि फंक्शन कीज का जो फंक्शनैलिटी है वो प्रोग्राम टू प्रोग्राम डिफर करती है। ठीक है, सेकंड में आता हूँ टॉप पे, पहले टॉप रो मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक, जो भी है, ये जो है प्रिंट स्क्रीन का फंक्शन दिया गया है, स्क्रॉल की का बटन दिया गया है, और पॉज ब्रेक है। ठीक है, तो प्रिंट स्क्रीन जो है, प्रिंट स्क्रीन आप बड़ा ही, आपको एक यूजफुल फंक्शन है यहाँ पे। आप कुछ भी यहाँ पे कर रहे हो, जैसे कि, या जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी आपको शो हुआ है जैसे कंप्यूटर कीबोर्ड में या जैसे कंप्यूटर में, तो उसका आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले ले सकते हो। जैसे आप स्क्रीनशॉट लेते हो ना अपने फोन में, उस तरह से ही आप जो है वो कंप्यूटर में भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बट इसका जो सेव होने का जो तरीका है ना, सेव जो होता है वो अलग अलग होता है। अलग अलग किस तरह से होता है कि आप क्या करोगे, विंडो और प्रिंट स्क्रीन प्रेस करोगे। ठीक है, विंडो प्रिंट स्क्रीन प्रेस करा, इससे क्या हो गया, स्क्रीनशॉट इसने ले लिया। जैसे मैंने यहाँ पे विंडो प्रिंट स्क्रीन प्रेस करा, ये देखो ये ब्लिंक करा ना, मैं इस टाइम पे कंप्यूटर लैपटॉप यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो लैपटॉप में क्या होता है, विंडो 10 में क्या होता है, विंडो 8 या विंडो 10 में क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो दिस PC में जाके एक लोकेशन होती है स्क्रीनशॉट। ठीक है, पिक्चर्स में जाके स्क्रीनशॉट में लोकेशन होती है, ऑटोमेटिकली वो सेव हो जाएगा। बट किस में, 8 और 10 में। बट अगर आप XP और उसमें देखोगे, विंडो 7 में देखोगे, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली सेव नहीं होता है। आपको क्या करना पड़ता है, आप विंडो R प्रेस करो, रन कमांड प्रेस करो, MS पेंट लिखो वहां पे, या फिर डायरेक्टली आप पेंट ओपन कर सकते हो। तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको पेस्ट करना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा, Ctrl V प्रेस करना पड़ेगा। पेस्ट आपने प्रेस करा तो उसके बाद जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है ना, वो आपको वहां पे शो हो जाएगा। जब शो हो जाएगा, उसके बाद आप उसको सेव करोगे, सेव करोगे तो तभी आप उसको सेव कर सकते हो। ऐसे आप कहीं भी आप ढूंढते रह जाओगे कि कहाँ पे रहा, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो अलग अलग इसका ये यूज था, डिफर किस तरह से करता है वो मैंने आपको बता दिया डिटेल में। ठीक है, स्क्रॉल लॉक क्या है, स्क्रॉल लॉक और नम लॉक मैं इसको बाद में बताता हूँ। ठीक है, इसका अलग, फिलहाल मैं इस पोर्शन में आता हूँ। ठीक है, ये जो है इस पोर्शन में आता हूँ, ये क्या है, ये देखो ये यहाँ पे टाइपिंग अल्फा न्यूमेरिक कीज है भाई ये। ठीक है, टाइपिंग अल्फा न्यूमेरिक कीज है, ये टिटल होता है, ये एक्सक्लेमेशन होता है, ये %#%, तो अलग अलग हैं, ये M%, इसको बोलते हैं M% बोलते हैं, इसको एस्टराइड बोलते हैं। ठीक है, एस्टराइड बोलते हैं शायद से, डिस्क्रिप्शन में आप देख लें डिटेल में। ये है ओपन पैरेंथेसिस, ये क्लोज पैरेंथेसिस है। ठीक है, ये कर्ली ब्रेसिस हैं, ये प्लस है, ये इज इक्वल टू है, ये बैक स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश भी होगी यहाँ पे, फॉरवर्ड स्लैश है, ये जो है वो साइन अप इंटरोगेशन है, फुल स्टॉप है, कॉमा है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, कॉलन, सेमी कॉलन, स्क्वेयर ब्रेसिस हैं, कर्ली ब्रेसिस हैं। तो इनका जो है सिंबल्स का वो यूज होता है हमारे टेक्स्ट में यूज होता है, तो इनका हम यूज करते भी हैं। ठीक है, मैं आपको एक चीज बता दूं, कहीं भी आपको, कहीं भी क्या, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, अगर एक की में दो दो यहाँ पे दिख रहा है ना, जो भी दिख रहा है, जैसे यहाँ पे प्लस है, यहाँ इज इक्वल टू है, यहाँ पे M% है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 3 है, तो हैश है। देखो ये जो शिफ्ट है ना, शिफ्ट से इसका यूज होगा। अगर आपको इसको विदाउट शिफ्ट के यूज करोगे, जैसे आपने 1 प्रेस करा, 2 प्रेस करा, 3 प्रेस करा, अगर आप इसको विदाउट शिफ्ट यूज करोगे ना, तो ये क्या करेगा, इसको जो है ना, ये बेसमेंट में, बेसमेंट समझते हो, नीचे जो नीचे है ना सिंबल्स, ये उनको प्रिंट करेगा बाय डिफॉल्ट।
बट अगर आप शिफ्ट यूज करोगे तो ये अपर सिंबल्स को क्या करेगा, प्रिंट करेगा, ठीक है, कहीं पे भी, चाहे इधर है, चाहे इधर है, चाहे इधर है, चाहे इधर है, ठीक है। जैसे ये फुल स्टॉप है तो विदाउट शिफ्ट का है, इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमें दो शिफ्ट जो है वो दिए गए हैं, क्यों दिए गए हैं, ये भी एक, ये एक टाइपिंग का कंसेप्ट है, ठीक है। इसको टाइपिंग सीरीज में आपको मैं बताऊंगा क्यों दिए गए हैं, क्योंकि ये जो है ना, देखो सेंटर में है, तो इस जो लेफ्ट हैंड होता है आपका, उनसे उन कीज को प्रेस करने के लिए राइट हैंड का जो है, राइट शिफ्ट की का हम यूज करते हैं, ठीक है। ये जल्दी टाइप करने के लिए हमें प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। जैसे कि ये कंट्रोल है, ठीक है, तो ये अलग अलग हमें अलग अलग फंक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे अब ये है टैब, टैब क्या है, टैब जो, अब अगर आप टेक्स्ट लिख रहे हो तो ये 10-12 स्पेसेस जो होती है ना, जैसे थोड़ा आगे, जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, ये जो है ना एंटर की, ये बड़ा हो गया थोड़ा सा, टैब की से भी, ये जो जैसे दिख रहे हैं ना आपको, इससे भी कम का जो, वो एक एक बारी में ही टैब की प्रेस करेंगे तो ये आगे चला जाएगा। अगर आप टेबल में इसका प्रेस करते हो तो एक सेल से दूसरे सेल में जाता है, अगर आप एक्सेल में यूज करते हो तो एक सेल से दूसरे सेल में जाता है, ठीक है। तो ये टैब का यूज है। कैप्स लॉक का क्या यूज है, अगर आप कैप्स लॉक ऑन करोगे तो 3 इंडिकेटर लाइट होती हैं यहाँ पे, इस तरह से ये इधर लाइट होती हैं, यहाँ पे मैंने बैकस्पेस की लिखा है, ये मैंने ऐसे इंडिकेट करने के लिए लिखा है, पर यहाँ पे लाइट होती हैं, 3 लाइट होती हैं। कौन सी होती है, नम लॉक होती है, कैप्स लॉक होती है, स्क्रॉल लॉक होती है, ठीक है। फिलहाल मैं बता देता हूँ नम लॉक क्या होता है। कैप्स लॉक क्या होता है, किसी भी अल्फाबेट को एंटर करने के लिए अगर आप विदाउट कैप्स लॉक आप एंटर करते हो और विदाउट शिफ्ट आप एंटर करते हो तो क्या होगा कि वो जो है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, बट अगर आप शिफ्ट प्रेस करते हो तो जो है वो बड़ा लिखा जाएगा, मतलब कैपिटल में लिखा जाएगा। बट अगर आपने कैप्स लॉक ही ऑन कर रखा है तो जो भी कोई भी अल्फाबेट है ना, तो वो कैपिटल में ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो कैप्स लॉक हमें ऑफ करना पड़ेगा, यहाँ पे एक लाइट इंडिकेट हो जाती है, तो उस तरह से हम जो है अपने टेक्स्ट को कैपिटल फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब कंट्रोल है, तो कंट्रोल मैंने आपको बता दिया कि कंट्रोल जो है वो एक जो है वो कंट्रोल कीज हैं ये, ठीक है। इनको क्या है कि स्पेसिफिक कमांड्स हैं, तो इन इनसे हम उनको प्रेस करते हैं। जैसे कंट्रोल ए है, कंट्रोल है, जैसे कंट्रोल ए है सिलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल सी है कॉपी करने के लिए, कंट्रोल बी है पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल बी है बोल्ड करने के लिए, ठीक है। तो अलग अलग कमांड्स हैं, अलग अलग जो है उनका यूज है, ठीक है। कंट्रोल जेड अंडू, कंट्रोल एस सेव, तो अलग अलग है हमारे पास ये। मैंने आपको मैं बताऊंगा कभी, जैसे मेरी मेरी वीडियोस हैं भी हैं वैसे, एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बनाई है मैंने, और विन की शॉर्टकट्स बताई हैं। आगे आती है विन की, ठीक है, विन की है, तो विन की का भी, विन की से भी बड़ी सारी कमांड्स हैं, इस पे भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, ठीक है। अल्ट की का क्या यूज है, अल्ट की का मैं आपको बड़ा ही यहाँ पे एक अच्छा जो है वो यूज बता देता हूँ। अल्ट की से अल्ट इज इक्वल टू प्रेस करोगे आप डायरेक्टली इक्वेशन जो है वो बार जो है वो ओपन कर सकते हो एमएस वर्ड में, ठीक है। अल्ट टैब प्रेस करके क्या होता है, अल्ट प्रेस करके रखो, टैब प्रेस करते रहो, क्या होगा, आपने अगर 4-5 विंडो ओपन कर रखी है तो एक विंडो से दूसरी विंडो को एक्टिव करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आती है स्पेस, ये आप देख रहे हो, ये क्या है हमारी अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, अल्फाबेट्स हैं, अल्फाबेट कीज है हमारी, 26 अल्फाबेट कीज है। तो ये स्पेस है, तो ये स्पेस है, स्पेस किस लिए होती है, इसको हम डायरेक्टली क्या कहते हैं, थंब जो होता है ना, हाथ का थंब, इससे यूज करते हैं स्पेस प्रेस करने के लिए, चाहे वो लैपटॉप की पैड है, चाहे ऐसे सिंपल कीबोर्ड है, ठीक है। तो बाकी जो है इसको हम थंब जो है वो थंब से प्रेस करते हैं। बाकी अल्ट जो है वो दो प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है, ये स्पेस बार है, और ये जो है ना बैक स्पेस, बैक स्पेस क्या है, अगर आपने कुछ गलत लिख दिया, आप बैक स्पेस प्रेस करोगे तो जो वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने टेबल पर इंसर्ट करा है, टेबल को सिलेक्ट कर दिया, बैक स्पेस प्रेस करा, डिलीट हो गया, ठीक है। बैक स्पेस और डिलीट का बड़ा ही मतलब एक अलग अलग डिफरेंस है इसमें, अलग अलग किस तरह से डिफरेंस है कि अगर आप बैक स्पेस प्रेस करोगे ना किसी वर्ड, आपने कोई वर्ड लिखा है एमएस वर्ड में, बैक स्पेस प्रेस करा, तो ये बैक से राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को जो है वो डिलीट करेगा किसी भी वर्ड को, बट अगर डिलीट प्रेस करा आपने तो यहाँ पे कर्सर है तो उसके राइट एंड को वो डिलीट करेगा, ठीक है। तो कंट्रोल बैक स्पेस क्या होता है, वो भी वर्ड को डिलीट कर देता है, तो कंट्रोल डिलीट क्या होता है, वो भी वर्ड को डिलीट कर देता है, ठीक है। तो ये अलग अलग कमांड्स हैं, तो इनको हम यूज कर सकते हैं। एंटर क्या होता है, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में एंटर करने के लिए, उसको दूसरे नीचे कर्सर लाने के लिए, अगले नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करने के लिए एंटर का यूज करते हैं। शिफ्ट मैंने आपको बता दिया, कंट्रोल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ अभी, नेविगेशन कीज, ये एरो कीज होती हैं 4, ठीक है, कर्सर को मूव करवाने के लिए, या फिर
अपनी मूवमेंट के लिए, नेविगेशन, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि नेविगेट करने के लिए आप, अगर आप देखो इंसर्ट है, ये होम है, ये पेज अप, पेज डाउन एंड डिलीट, ठीक है। डिलीट का है किसी फाइल को डिलीट करने के लिए, इंसर्ट है कुछ आपने इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कर सकते हो, कंट्रोल होम, ठीक है। होम का क्या है, कंट्रोल होम प्रेस करोगे आप किसी भी फाइल के, 20-25 पेजेस हैं तो फाइल के अप में आ जाओगे। अगर कंट्रोल एंड प्रेस करा तो आप जो है वो फाइल के एंड एंड में आ जाओगे, ठीक है, कर्सर आपका ऑटोमेटिकली एंड में आ जाएगा। अब देखो पेज अप और पेज डाउन का क्या चक्कर है, अगर आपने इसको विदाउट कंट्रोल यूज करा ना तो ये अप डाउन है की तरह काम करेगा, ठीक है, अप डाउन की तरह काम करेगा। बट अगर आपने इसको कंट्रोल के साथ यूज करा तो डायरेक्टली क्या करेगा, एक पेज से दूसरे पेज में ये आपको मूव करवाता जाएगा एक फाइल में, ठीक है। तो ये फाइल में यूज होता है दरअसल, बाकी एरो कीज का ही मेनली यूज होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि नम लॉक का क्या यूज है, ठीक है। ये एक सेपरेट जो है वो न्यूमेरिक की पैड हमें दिया गया। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे भी नंबर्स थे, यहाँ से क्यों नहीं टाइप करा, बट ये जो है ना ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, और राइट हैंड से बंदा जो है वो यहाँ से टाइप कर सकता है जो भी हमारे नंबर्स हैं, ठीक है, नंबर्स हैं। नम लॉक का क्या यूज है, नम लॉक का ये यूज है कि अगर आपने नम लॉक ऑन कर रखा है तभी आप इस कीबोर्ड का जो है वो नंबर्स ऐड करने के लिए यूज कर सकते हो। अगर आपने नम लॉक नहीं ऑन कर रखा है तब आप जो है वो इन कीपैड्स को, जो इनकी जो भी है यहाँ पे नंबर जो है, जो भी है इनका आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर यहाँ पे नम लॉक ऑफ है तो ये क्या होगा, आप यहाँ पे देख रहे हो बेसमेंट में क्या लिखा है, डाउन लेफ्ट राइट, ठीक है, पेज अप पेज डाउन, तो ये जो है ना बेसमेंट में लिखा है, ये जो बेसमेंट में लिखा है तो नम लॉक ऑन नहीं होगा, तो जो डबल डबल लिखा गया है ना तो वो ऑप्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है, नम लॉक ऑन है तब ये जो है वो नंबर ऐड करेगा। तो ये इसका था, मैंने आपको बता दिया, ये एंटर था, ये एंटर था, ये डेल होता है, मतलब डॉट जो है वो डॉट लिखने के लिए, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ये डिविजन, ठीक है। तो मैंने सारे के सारे इसमें जो है वो कवर कर दिए हैं, ठीक है, कवर कर दिए हैं मैंने इसमें जो भी कीज होती हैं। मेरे को लगता है इसमें कोई भी जो है वो, अगर आपको और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है मैं डिस्क्रिप्शन में 2-3 लिंक दे दूंगा आपको, आप वहां से जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। वीडियो शायद लंबी हो गई है बहुत, बट मैंने आपको डिटेल में बताने की कोशिश करी है कि किसका किस की का क्या यूज है। और एक चीज आप ध्यान में रखना कि KWRTKY की जो लेआउट कीबोर्ड है इसमें 104 कीज होती हैं हमारी, ठीक है, 26 अल्फाबेट होते हैं, ठीक है, 26 अल्फाबेट होते हैं, एक स्पेस की होती है, 2 शिफ्ट की है, एक कैप्स लॉक है, एक टैब है, एक एस्केप है, 12 फंक्शन कीज होती हैं, ठीक है, ये और ये बैक स्पेस है, एंटर है, ठीक है, 2 कंट्रोल कीज हैं, 2 शिफ्ट की हैं, 2 अल्ट कीज हैं, 2 विंडो की हैं, ठीक है, 4 एरो कीज होती हैं, 17 ये आगे, तो अलग अलग ये इनको सबको मिला के नियर अबाउट 104 कीज हम जो है वो कंसिडर करते हैं। कि अगर आप कोई पूछे कि कितनी कीज होती है KWRTY लेआउट कीबोर्ड में, कितनी होती हैं, 104 कीज होती हैं, ठीक है। सो इसी तरह की कंप्यूटर रिलेटेड और टाइपिंग रिलेटेड जो है वो वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऑन रिकॉर्ड ज्ञान, और बेल आइकन को प्रेस करें फॉर दी लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, बाय बाय।